नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। इसराइल की कंपनी के जरिए बनाए गए पेक्सा सॉफ्टवेयर की मदद से कई देशों ने हजारों लोगों के फ़ोन टैप किए हैं। इसमें भारत का भी नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि भारत में करीब 300 से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स की जासूसी की जा रही थी, जिसमें कई पत्रकार और नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं भारत में फ़ोन हैक होने की खबरों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि उसके डर पे हंसी आती है, ये भारतीय जासूस पार्टी है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पेगासस के जरिए जासूसी से जुड़े खुलासे बहुत ही घिनौने कारगुजारियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सच है तो मोदी सरकार संविधान द्वारा देशवासियों को दिए गए निजता के अधिकार पर गंभीर और ख़तरनाक हमला कर रही है। इससे लोकतंत्र तो नष्ट होगा ही, ये देशवासियों की निजता के अधिकार को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। वहीं 16 जुलाई को राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूजर्स से पूछा था कि मैं सोच रहा हूं कि लोग आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। उसे सोमवार को ही उन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा कि हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, आपके फ़ोन में सब कुछ। इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग पेगासस इस्तेमाल किया था। हालांकि बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो कि राजनीतिक शिष्टाचार से परे हैं। बीजेपी कांग्रेस के जरिए लगाए गए पेगासस मामले को सरे से खारिज करती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक पेगासस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेगासस मामला मानसून सत्र से पहले ही शुरू क्यों हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।